सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेदिक जीवन को और बेल आइकन को दबाइए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पानी संसार का एक ऐसा अजूबा है जिसको आज तक साइंटिस्ट लोग भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए। पानी के वजह से ही इस दुनिया में जीव की उत्पत्ति हुई और इस दुनिया की रचना हुई। इस संसार के सभी जीवों के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पानी ही पाया जाता है और इंसान के शरीर में 70% से ज्यादा पानी और ब्रेन में 90% तक पानी होता है। और इस पानी की मात्रा थोड़ी सी भी कम हो जाए तो हमारे शरीर में सभी तरह के रोग होने लगते हैं और हम कमजोर पड़ जाते हैं। अगर आप पानी पीने के सही तरीके को जानते हैं तो इस वीडियो को आप स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपको पानी पीने के सही तरीके नहीं मालूम तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पानी कब, कैसे और कितना मात्रा में पीना चाहिए इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, पानी के बिना हम लोग लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते। खाना खाए बिना एक दो दिन जी पाए तो भी, पानी पिए बिना तो एक पल भी जीना नामुमकिन है। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले जानते हैं पानी से होने वाले बहुत सारे फायदे के बारे में। हमारे बॉडी के हर एक कोशिकाओं के विकास के लिए पानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तत्व है। पानी के वजह से ही ये सेल्स या कोशिकाएँ शरीर में एनर्जी पैदा करते हैं, जिसके कारण हम लोग हर एक काम अच्छे से कर पाते हैं। इंसान का ब्रेन 90% पानी से बना है, इसलिए हमारे ब्रेन के विकास के लिए पानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमारे ब्रेन में जितने भी सेल्स या कोशिकाएं हैं उनमें 90% से ज़्यादा पानी होता है, इसलिए अगर ब्रेन को सफिशियंट मात्रा में पानी ना मिले तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाते। पानी हमारे पाचन क्रिया को संतुलित रखता है। दोस्तों, हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसे अच्छे से पचने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। पानी डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है और खाद्य पदार्थ में मौजूद विटामिन और मिनरल को आंतों के जरिए शरीर में अच्छे से शोषण होने में मदद करता है। पानी पाचन क्रिया के गड़बड़ी के कारण होने वाले इनडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन जैसे रोग होने से भी हमें बचाता है। पानी हमारे बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है ताकि बॉडी के सभी तरह के फंक्शंस सुचारू रूप से संपन्न हो सके। पानी हमारे किडनी के फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है। दोस्तों, शरीर के रासायनिक क्रियाओं से पैदा हुए दूषित पदार्थ जैसे एमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आदि को पानी के जरिए किडनी बॉडी से फ्लश आउट करता है और इन बुरे तत्वों से होने वाले बहुत सारे बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करता है। पानी शरीर का वजन नियंत्रित रखने में भी बहुत उपयोगी होता है और ये मोटापा होने से हमें बचाता है। स्किन हेल्थ के लिए भी पानी बहुत ही ज़रूरत होती है। पानी स्किन को हमेशा ताज़ा, कोमल और ग्लोइंग बने रहने में मदद करता है। ये स्किन में झुर्रियाँ होने से बचाता है और स्किन को हमेशा मॉइस्चराइज करके रखता है। पानी शरीर के इम्यून सिस्टम को ठीक रखता है और हमें छोटे मोटे रोग होने से बचाता है। रेगुलर ठीक मात्रा में सही ढंग से पानी पीने वाले लोगों को कैंसर या हार्ट अटैक जैसे गंभीर रोग भी छू नहीं पाते। इसके साथ साथ पानी हमारे शरीर के सभी तरह के क्रियाओं के लिए जरूरी होता है। पानी हमारे मूड को ठीक रखता है, हेडेक को दूर करता है, आई साइट को ठीक रखता है और स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम से हमें छुटकारा दिलाता है। इसीलिए दोस्तों, पानी सही ढंग से सही मात्रा में ना पीने की वजह से हम लोग बहुत सारे रोग के शिकार होने लगते हैं और हमें उसकी सही वजह भी मालूम नहीं होता। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पानी कितना, कब और कैसे पीना चाहिए। दोस्तों, कोई कहता है हमें 4 गिलास पानी पीना चाहिए, कोई कहता है 8 गिलास, तो कोई 12 गिलास, पर आयुर्वेद के हिसाब से हमें उतना ही पीना चाहिए जितना हमें प्यास लगे। सभी लोगों के लाइफस्टाइल एक जैसे नहीं होते। कोई ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट करता है तो कोई ज़्यादा मेंटल वर्कआउट करता है, और कोई कुछ भी नहीं करता और बस टीवी और मोबाइल देख के टाइम पास करता है। इसके साथ साथ कुछ लोग मोटे होते हैं तो कुछ लोग पतले होते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के लोगों के लिए पानी पीने की मात्रा भी अलग अलग होती है। मौसम के बदलाव के कारण भी हमारे पानी पीने के मात्रा में असर करता है। गर्मियों के मौसम में हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। बारिश के मौसम में और सर्दियों के मौसम में हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए आयुर्वेद में माना जाता है कि बॉडी के ज़रूरत के अनुसार ही पानी पीने से हमें सही पोषण मिल पाता है, और मात्रा से ज़्यादा या कम पानी पीने से हमारे शरीर का नुकसान ही होता है। इसीलिए हमें हेल्दी रहने के लिए दिन में 2 से 3 लीटर तक पानी पीना ही चाहिए, और गर्मियों के मौसम में थोड़ा ज़्यादा 4 लीटर तक हम पानी पी सकते हैं। और जो लोग फिजिकल और मेंटल वर्कआउट करते हैं उन लोगों को थोड़ा ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, और जिन लोगों का वजन थोड़ा ज़्यादा है उन्हें भी 4 से 5 लीटर तक पानी पीना चाहिए। आयुर्वेदा कहता है जब भी हमारे शरीर में पानी की ज़रूरत होती है तब हमें प्यास लगती है, लेकिन आजकल की हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल ऐसी है कि ना तो हमें टाइमली प्यास लगती है, ना तो हम विधि के अनुसार पानी पीते हैं। अगर हम लोग निरोगी रहना चाहते हैं तो हमें थोड़ी मात्रा में आयुर्वेदा को लाइफ में अपनाना ही पड़ेगा। पहले के लोग विधि के अनुसार सभी काम किया करते थे और लाइफ टाइम के लिए निरोगी रहते थे।
तो आइए सीखते हैं पानी पीने के कुछ ऐसे तरीके जिससे हम निरोगी हो सकें। हमें सुबह उठकर ब्रश करने से पहले ही पानी पीना चाहिए। इससे हमारे मुंह में रात भर जमे लार पेट के अंदर चला जाता है और ये लार हमारे पाचन क्रिया को ठीक करता है। लार का प्रकृति क्षारकीय होता है और ये पेट के अम्ल को शांत करता है। खाना खाने के तुरंत बाद और खाना खाने के आधा घंटा पहले से हमें पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद पेट में डाइजेस्टिव फायर यानी जठराग्नि की उत्पत्ति होती है जो खाने को डाइजेस्ट करता है। और इसी वक्त हम लोग अगर पानी पीते हैं तो वो जठराग्नि शांत हो जाता है और खाना अच्छे से हजम नहीं हो पाता। आयुर्वेदा कहता है कि हमारे बॉडी के 80% रोग खाना अच्छे से हजम नहीं होने की वजह से होती है। इसीलिए निरोगी रहने के लिए हमें खाना खाने के 1 घंटे बाद ही पानी पीना चाहिए, लेकिन खाना खाते वक्त थोड़ा मात्रा में गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। ये खाने को अच्छे से हजम होने में मदद करता है और ये गर्म पानी आंतों में चिकनापन लाता है जिससे आहार आंतों में आगे इजीली जा पाता है। हमें फलाहार के तुरंत बाद भी पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। फल का तासीर शीतल होता है और इसे हजम होने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में डाइजेस्टिव फायर की जरूरत होती है। एक्सरसाइज और खेलकूद के तुरंत बाद और बहुत ज़्यादा गर्मी के आने के तुरंत बाद भी हमें पानी नहीं पीना चाहिए। यह हमारे बॉडी के टेम्परेचर को असंतुलित करता है और शरीर में सर्दी, खांसी और टॉन्सिल जैसे रोग को पैदा करता है। हमें रात को सोने से पहले 1-2 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, क्योंकि सोते वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी श्वास के जरिए निकाल देते हैं। हमें पानी बैठकर हमेशा आराम से पीना चाहिए, इससे ये हमारे बॉडी में सही ढंग से एब्जॉर्ब हो पाता है। पानी को कभी भी एक ही झटके में पीना नहीं चाहिए। पानी को आराम से घुट घुट करके पीना चाहिए। ऐसा करने से ये हमारे मुंह के लार में अच्छे से घुल जाता है और पेट तक चला जाता है। पानी को हो सके तो तांबे के बर्तन में पीना चाहिए। आयुर्वेद में माना जाता है कि तांबे के बर्तन में पानी रखने से पानी की गुणवत्ता बहुत बढ़ जाती है। पानी को हमेशा बर्तन में मुँह लगा के पीना चाहिए। इससे पानी पीने के मात्रा में नियंत्रण आता है और पानी अच्छे से पिया जाता है। पानी पीते वक्त हमारी सोच हमेशा अच्छी होनी चाहिए। आयुर्वेद में पानी को भगवान की तरह माना गया है। यह कहा गया है कि पानी को हमेशा पूजन करके ही पीना चाहिए, क्योंकि ये प्राणदाता है। और आजकल की मॉडर्न साइंस भी यह प्रूव कर चुका है कि हमारे सोचने मात्र से ही पानी के अणु पर प्रभाव पड़ता है और उसकी प्रकृति बदल जाती है। इसीलिए दोस्तों, हम लोग कैसा पानी पी रहे हैं इससे ज़्यादा हम लोग किस तरह से, किस सोच के साथ पानी पी रहे हैं, यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।